वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आई हूँ जड़ीपट का एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं आई हूँ पंकज खड़ी वाले के तरफ। इधर बहुत सारे स्नैक्स मिलते हैं, तो मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। उधर प्रिपरेशन हो रही है समोसे वगैरह की, तो चलिए। तो चलिए अंदर। तो इधर समोसे मिलते हैं। अच्छा मुझे आप ये बताओ, आप एक दिन में कितने बनाते हैं? हाँ, दो ढाई हज़ार। काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाते हैं। तो इधर ये क्या कर रहे हैं? पट्टी मार रहे हैं। अच्छा दिखा दो। तो गाइस देखिए कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में इधर बनते हैं। तो आप लोग भी पंकज खड़ी वाले की तरफ आ सकते हैं स्नैक्स लेने के लिए। और ये कितना है? ये 30 किलो। 30 किलो है, देखो 30 किलो बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इधर ये सब चीज़ें प्रिपेयर हो रही है, एकदम फ्रेश फ्रेश समोसे। फिर अब ये तलेंगे भी। आपने देख लिया कितने ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं इधर समोसे। 2 से 2.5 हज़ार एक दिन में बनते हैं। एंड इधर वो तले जाते हैं, ठीक है। तो 30 रुपीज़ इसका प्राइस है। हमने इसमें कढ़ी भी डाले हैं, तो मैं अभी आपको टेस्ट करके बताऊँगी इसको। काफ़ी ज़्यादा गर्म है और इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छा रहे। इनकी कढ़ी काफ़ी थिक है और काफ़ी खट्टी है, जैसे हम लोग खाते हैं घर से। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा हाई रिकमेंड कर सकती हूँ। तो आपको भी अगर ये चीज़ खाना है तो आपको पंकज कढ़ी वाले के तरफ आना पड़ेगा। इधर ही आपको ये जेरी पटका में इसकी लोकेशन हम दे देंगे, आप लोग देख लेना। ये चीज़ आपको इधर ही मिलेंगी। गाइस इधर हमको हमने गुलाब जामुन भी ले लिया है। तो ये 15 के 2 पीसेस है। एंड सब मुझे ऐसे देख रहे जैसे कि मैं क्या करी कोई, ठीक है। तो 15 के 2 पीसेस है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है ये। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्योर खोए के है ये, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है 15 के। तो अगर आपको ये खाना है तो आपको फिर से आपको पंकज कढ़ी वाले के पास आना पड़ेगा। लोकेशन हम दे देंगे, प्लीज़ उधर आइए और खाइए। बाय। तो गाइस अब मैं नेक्स्ट लोकेशन पे आ गई हूँ आगरा वाला। इधर इनकी स्पेशलिटी है, दिखा दूँ इनकी स्पेशलिटी। इधर बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें। अपने आलू भल्ला मंगाए हैं अभी, एंड ये अभी ये वाले संडे को ही ओपन हुए हैं। 3-4 दिन 2 दिन हुए आई थिंक, से 2-3 दिन। तो आप लोग इधर आ सकते हो, चलिए मैं आपको दिखा दूँ इधर बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस ये आलू भल्ला है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आपको देख सकते हैं, दिखाओ नीचे, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये। इसका प्राइस आई थिंक 35 है, 35 प्राइस है इसका सर। तो मैं आप इसको आपको टेस्ट से बता दूँ। देसी घी में बना है इसका, देसी घी का फ्लेवर आ रहा है पैकेट में, बहुत ज़्यादा यम है। ये जो नॉर्मल जो पैकेज मिलती है उससे ज़्यादा बड़ा है, तो ये कभी भी पुराता। अगर आपको ये खाना है तो आपको आगरा वाले की तरफ आना पड़ेगा। आपको ये इधर ही मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और टेस्ट तो बहुत अच्छा। तो अभी हम ये खा लेते हैं और नेक्स्ट लोकेशन पर मिलते हैं। आप लोग प्लीज़ आगरा वाले की तरफ आना है और आपको ये खाना है, और मुझे ट्राई करके इंस्टा पे DM करना, नहीं तो YouTube पे कमेंट करना। तो अभी हम राकेश चाट सेंटर आए हैं। उधर मैं पानी पूरी खा रही हूँ। उधर की पानी पूरी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। और इधर कुरकुरे चाट और फिंगर या जो भी बोलते हैं वो चाट है, तो हम वो भी लेने वाले हैं। तो अभी वो बन रही है, जब वो बन जाएगी तब मैं। तो गाइस ये दही फिंगर है, सिर्फ 20 रुपीज़ का है। देखो इसमें 6 पीस आए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये आप यूनिक चीज़ देख रहे होंगे, हमने भी देखे। तो मैं अब इसको खा के बताती हूँ। ओवन लोटी, इसमें बहुत सारा चीज़ें हैं, आलू है, खाती हूँ। तो कुछ अलग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। जाके चाट सेंटर पे आप आ सकते हैं, और ये आपको पूरे जड़ीपटका में इधर ही मिलेंगी, इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। तो गाइस बाय, चलो।
हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो को बहुत ज़्यादा हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, और कमेंट्स में भी बताना आपको कौन सा पार्ट।